नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज, नैनीताल से हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी 16 अक्टूबर 2021 की, जो देहरादून गांधी पार्क की थी। उसमें काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया है मुझे, और आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब NIOS परिवार के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है ये आज। और ये वीडियो क्यों ज़रूरी है मैं आपको इसलिए भी बताऊंगा। और मेरी कपिल सर से बात हुई थी, और जो नया व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति, कोई मतलब नया NIOS परिवार का DLED वाला व्यक्ति जिन्होंने NIOS किया हुआ है और वो ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों वो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और साथ में कपिल सर का भी डाल दूंगा। और यहाँ पे भी देखो शो हो रहा होगा कपिल सर का नंबर, आप उनसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और मैं भी उनसे लगभग कंटिन्यू संपर्क में हूँ। तो वीडियो आज की क्या है और क्यों मैंने बनाई हुई है और ये क्यों इतनी ज़रूरी है, तो दोस्तों जैसा कि 16 तारीख को जो हमने मीटिंग या फिर जो भी धरना किया था उससे ये रिजल्ट निकला था कि 10 दिन तक ही सरकार हमें कुछ ना कुछ निर्देश दे देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार हमें 10 दिन तक कोई भी सूचना देती है तो हमें आपस में जुड़े रहना है, सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि हमें अपने बीच में दूरी नहीं डालनी है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है कि जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई है वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं या फिर मैं बताता हूं वीडियो क्यों बनाई हुई है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का कारण एक ये है कि हम सबको अब एकता में रहना है दोस्तों, संगठन में रहना है, तभी हमें जीत मिलेगी, पहली चीज। अब हमें वो क्या करना है, संगठन का काम क्या है इसमें, तो दोस्तों कई लोग से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि कई लोग जो हैं इस समय पे वर्तमान में शिक्षा में लगे हुए हैं, मतलब कि पढ़ा रहे हैं, और कई कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका जैसे सपोज BEd चल रहा है या फिर कुछ और कार्य चल रहा है जो कि वो अभी फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा दूर हैं, है ना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आपने अपने नज़दीकी स्कूल में जाकर, प्राइवेट स्कूल से जाकर DLED अभ्यर्थी जो भी थे या जो भी शिक्षक गण थे जिन्होंने NIOS से DLED किया हुआ है, TET और CTET क्वालिफाइड है और साथ फॉर्म भी उन्होंने डाला हुआ है, यदि उन्होंने नहीं भी डाला है तो भी उनके हक के लिए ये लड़ाई है दोस्तों, क्योंकि अगर हम वैलिड होते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और यदि हम वैलिड नहीं होते तो इसका परिणाम आप जानते ही हैं कि हमारे सीधे सीधे भविष्य का यहाँ पे सवाल है दोस्तों। तो आपने, हमने, सबने मिलके क्या करना है, सबसे पहले एक पेज लेना है, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अब अगले 10 दिन के बाद की जो धरना प्रदर्शन की रणनीति है वो हमारी अभी से चालू हो रही है। क्यों, सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते हैं, धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपको दिशा निर्देश मिलते जाएंगे, कपिल सर से मिलेंगे, पवन सर से मिलेंगे, फिर आपके कुंवर सर हैं, हमारे दौलत कुंवर सर हैं, उनसे हो गए, तो उनसे भी कुछ ना कुछ मेरी हमेशा बातें होती रहती हैं, और रात भी हमारी मंसूर सर से भी बात हुई थी लाइव मीटिंग में, तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, मैंने रात भी यही बात रखी थी वहां पे कि हम सभी ने मिलकर अपने नजदीकी प्राइवेट स्कूल जो भी है वहां पर जितने भी DLED प्रशिक्षुक हैं, जो भी DLED किए हुए हैं NIOS की ओर से, CTET TET क्वालिफाइड है और उन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, तो उनका एक पेज में उनका पूरा नंबर, स्कूल का नाम और पूरे टीचरों के नाम की लिस्ट की सूची आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है देखो सामने, और साथ में ही कपिल सर का भी नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो आप चाहे मुझसे संपर्क करो चाहे कपिल सर से संपर्क करो, पर संपर्क जरूर करना है दोस्तों आपको, क्योंकि ये अब हमारी मतलब भविष्य में आ गई है बात, और हमें अगर अब हम नहीं जुड़े, अब हम एक संगठन नहीं बना पाए ढंग का, तो आप ये भूल जाइए कि सरकार हमें नौकरी देगी, सरकार हमें जॉब देगी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है, संगठन के रूप में काम करना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षित रहो या शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो दोस्तों। तो हम अपना पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, सभी वर्ग शिक्षित वर्ग है, संगठित भी लगभग हम हो ही चुके हैं, तीसरा हमारा जो कार्य है संघर्ष करने का कार्य है वो हमारी अंतिम सीढ़ी है, और यहीं पे आप बात रखिए, याद रखिए इस चीज को कि कच्चे फल पे कोई भी पत्थर नहीं मारता है,
पके ही फल पर हर कोई पत्थर मारता है। तो दोस्तों ये हमारा संगठन अब पक चुका है, मजबूत हो चुका है, अब इसमें सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा देश हिलाया हमने। मेरी जो वीडियो है वो काफी अच्छी वायरल भी हो रही है, आप लोगों को काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। और इस वीडियो में दोस्तों मेरी वीडियो में 5 व्यूज आए, 10 व्यूज आए, 15 व्यूज आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, अपना सुझाव जरूर देंगे। जब लाइव मीटिंग चल रही है तो 80-100 लोग लाइव जब सुनते हैं या देखते हैं तो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ही कम होता है, समय का अभाव चल रहा होता है। और वहीं पे हमें कोऑर्डिनेट जो कर रहे होते हैं पवन सर कल हमें, मंसूर सर ने भी काफी अच्छा कोऑर्डिनेट किया और काफी कुछ उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से इसमें कितने लगे हुए हैं, उनको क्या रिस्पॉन्स मिला है। बट 16 तारीख का जो धरना प्रदर्शन उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने क्या रिएक्शन दिया था, आपने अगर कल मीटिंग अटेंड की होगी तो आपको दोस्तों पता होगा। इस समय पे बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों। तो मैं आपसे, वीडियो आप दोबारा भी देखेंगे क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आप दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं इस वीडियो को। आपने पूरा संगठन बना के रखना है, संगठित रहना है, कपिल सर के दिशा निर्देशों में चलना है दोस्तों। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने नजदीकी प्राइवेट स्कूल में जाकर ये जिम्मेदारी खुद से उठानी है। ऐसा नहीं कि हमें फोन आएगा, हमें बताया जाएगा, फिर हम जाके करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप ये चीजें सोच रहे हो तो दिन बहुत कम है ना। ये मुझे नहीं आया कि मैं ये वीडियो डालूं, ये मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताऊं 16 तारीख के बारे में बताऊं, नहीं, मेरी इच्छा है, मेरा, क्योंकि ये मेरे लिए भी लड़ाई है, मेरी भी हक की लड़ाई है। जॉब मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी, आप सभी को मिलेगी दोस्तों। तो आपने नजदीकी प्राइवेट स्कूल में जाना है, लिस्ट तैयार करनी है, टीचरों के नंबर उसमें लिखने हैं, जिला उसका लिखना है, और वो लिस्ट मुझे सेंड करनी है या फिर कपिल सर को सेंड करनी है, एक पेज में लिख के आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, कपिल सर को भी, नंबर दोनों के शो हो रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो आपने दिल से काम करना है आपके, अगर आप अब एक नहीं हुए तो आप कभी भी एक नहीं होंगे दोस्तों। मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा समय है, यहाँ पे सरकार हमारी सुन सकती है दोस्तों, और काफी अच्छा आप सहयोग कर रहे हैं। और कुछ चीजें और हैं जो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। फिलहाल हमें एक संगठन के में रहना है, और जो चीज मैंने आपको बोली है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सभी से कि मेरी वीडियो पर जो भी व्यूज आए उसमें उन व्यक्तियों का कमेंट जरूर आना चाहिए, अपनी राय जरूर देना यार इस वीडियो के माध्यम से कि ये कार्य कैसा हो रहा है और इसमें क्या क्या और चीजें सुधार हो सकता है। क्योंकि जब एक जगह पे एक व्यक्ति का दिमाग लगेगा और एक कार्य पे 100 व्यक्तियों का जब दिमाग लगेगा तो 100 व्यक्तियों वाला कार्य एक अच्छा कार्य होगा, एक सुंदर कार्य होगा। तो मैं दोस्तों मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप सभी को कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है दोस्तों, और नंबर जरूर देना है, अपना दें, अपने मित्र का दें, और ये वीडियो को शेयर करना है, हर डीएलएड व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आज सुबह से मेरे पास, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, 8 से 10 मोबाइल नंबर आ चुके हैं कि सर हमें ग्रुप में ऐड होना है, हमें ग्रुप में ऐड होना है। हम सबको ग्रुप में ऐड करेंगे और जो भी दिशा निर्देश होंगे हम सभी को शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं दिल से यही दुआ करता हूँ, यही भगवान से गुजारिश करता हूँ कि इस बार सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमारे इस धरना प्रदर्शन पे या फिर हमारे इस कार्य पर कुछ ना कुछ जरूर अपना संज्ञान लेगी और हमें एक अच्छा निर्णय सुनाएगी दोस्तों। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आप भी इसमें एक महत्वपूर्ण अपनी भागीदारी निभाएं और दिल से इस संगठन का सम्मान करें और इसके दिए हुए हर कार्य में अपनी एक ऐसी भूमिका दें जिससे ये कार्य और भी अच्छे तरीके से हो सके। तो प्लीज वीडियो में लाइक भी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना है वीडियो में कि क्या से क्या करना है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो के माध्यम से हम सबकी नहीं सुन पा रहे हैं लेकिन कमेंट के माध्यम से हम सबकी सुनेंगे दोस्तों। तो मैं दिल से, मैं फिर से यही दुआ करता हूँ भगवान से कि हमारा कार्य, जिस चीज को लेकर हम ये चले हैं, जिस कार्य का हमने बेड़ा सब लोगों ने उठाया है, वो जरूर सफल होगा और हमें सबको जॉब मिलेगी दोस्तों। तो दिल से शुक्रिया करता हूँ इतना समय देने के लिए। प्लीज वीडियो को शेयर करना है, शेयर जरूर करना है और साथ में कमेंट जरूर करना है। और मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, कपिल सर का नंबर डाल रहा हूँ, आप हमसे भी संपर्क करिए यदि आप संपर्क में नहीं है, ग्रुप में नहीं है। थैंक यू दोस्तों।